अस्सलाम वालेकुम। बुरा न चाहो, एक बादशाह का गुलाम भाग गया। कुछ लोगों ने उसका ताकुब किया और गिरफ्तार करके बादशाह के सामने पेश किया। वजीर को उस गुलाम से दुश्मनी थी, उसने बादशाह को मशवरा दिया कि उसको कत्ल कर दिया जाए। गुलाम ने हाथ बांध कर अर्ज़ की कि हुजूर के हुक्म के सामने मेरा सर खम है, लेकिन क्योंकि मैं हुजूर का नमक खा कर पला हूँ, इसलिए नहीं चाहता कि क़यामत के दिन आप पर मेरे कत्ल का नाहक इल्ज़ाम लगाया जाए। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस वज़ीर को मार डालूं, फिर उसके कसास में आप मुझे कत्ल कर दें। इस सूरत में मेरा कत्ल जायज़ होगा। बादशाह हंस पड़ा और वज़ीर से कहा, अब तेरी क्या राय है? उसने कहा, जहां पना मेरी राय में ये मुनासिब है कि खुदा के लिए अपने पदर बुज़ुर्गों के कब्र के सदक़े में इसको आज़ाद कर दीजिए, ताकि ये मुझे किसी बला में न फंसा दे। जब तू किसी दुश्मन पर तीर चलाए तो ये जान ले कि तू भी उसका निशाने पर है।